हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम लोग करने वाले हैं आपकी यूनिट 1 से पोयम नंबर 1, रेन इन द नाइट। ओके। रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, समटाइम्स लाउड समटाइम्स सॉफ्ट जस्ट लाइक अ सॉन्ग। देयर बी रिवर्स इन द गटर्स एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट, इट विल मेक अ लेजी किटी वॉश हिज लिटिल डर्टी फीट। द रोजेस विल वेयर डायमंड्स like kings and queens at court, but the pencils all get muddy because they are so short. I'll sail my boat tomorrow in wonderful new places, but first I'll take my watering pot and wash the pencils' faces. Name of the poetess is Emilia Josephine Bohr. So now children, listen to the explanation part. Raining, raining all night long, sometimes loud, sometimes soft. यहाँ पे जो पोएटिस है वो बोल रही है कि रात भर बारिश हो रही थी, all night long मंजे रात्र भर उशीरा पर्यंत, sometimes loud, sometimes soft. कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश की आवाज आ रही है, कभी कभी बहुत कम आ रही है. ओके, मतलब कभी बारिश ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है. जस्ट लाइक अ सॉन्ग, मतलब एक सॉन्ग की तरह लग रहा है पोएटिस को बारिश का होना. ओके, उसके बाद क्या होता है, देयर बी रिवर्स इन द गटर्स. देयर का मतलब क्या होता है, देयर विल. सो इट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर विल. गटर्स चैनल्स एट द एज ऑफ अ स्ट्रीट दैट कैरीज ऑफ वाटर, मतलब रोड के कोने कोने में. आपने कभी ध्यान से देखा होगा वहां पे एक चैनल बना होता है, तो सारा जो पानी अगर गिरता है रोड पे बारिश में, वो सारा पानी जो है वो रोड के कॉर्नर्स में चैनल के थ्रू बहकर वो निकल जाता है, तो रोड पे फ्लडिंग नहीं होती है, ज्यादा पानी नहीं भरता है, तो बोलते हैं गटर्स. एंड लेक्स, लेक्स मंजे सरोवर लॉन्ग द स्ट्रीट. जो पोएटिस है उसको कैसा लगता है कि बारिश के समय में उसको लग रहा था कि रोड पे सरोवर बन गया है, लेक बन गया है, इतना पानी है. ओके, इट विल मेक अ लेजी किटी वॉश हिज डर्टी फीट. लेजी किटी मंजे आळशी मांजरीचे पिल्लू. फीट मोर देन वन फुट, फुट का मतलब क्या होता है, एक पैर. मोर देन वन इज कॉल्ड एज फीट. तो आपने देखा बिल्ली को तो चार पैर होते हैं, तो वो यहाँ पे फीट के थ्रू रेफर कर रहे हैं कि बिल्ली के सारे चारों पैर एकदम डर्टी हो गए थे मट्टी से, तो बारिश की वजह से वो साफ हो जाते हैं, है ना. Here the roses will wear diamonds like kings and queens at court. Poetess क्या बोल रही है, roses will wear diamonds. अभी जो rose है इसके जो petals होते हैं, पत्तियां होती है, वो velvet type से होती है, तो उसपे अगर पानी गिरता है ना, बारिश का पानी गिरता है, तो कैसे लगता है, diamonds की तरह दिखते हैं सारे. Water droplets जो होते हैं वो सारे diamonds की तरह दिखते हैं, तो poetess imagine करती है कि जो rose है वो क्या पहनने वाले है, diamonds पहनने वाले है, किसकी तरह, kings and queens की तरह. But the pencils all get muddy because they are short. Pencils means what children? Flower होता है बच्चों. Get muddy. Get muddy मतलब to become dirty with mud. मट्टी की वजह से वो dirty हो जाता है. Because they are short. क्योंकि वो short होते हैं, ये देखिए है ना. ये है pencils flowers. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो pencils flowers कैसे शॉर्ट है. यहाँ पे रोज देख रहे हो, ये बड़ा प्लांट है और ये बहुत ही शॉर्ट है, इस वजह से वो डर्टी हो जाते हैं, मड़ी हो जाती है. यू कैन सी मड़ी वाटर, यहाँ पे ज्यादा बारिश गिर रही है तो सारे मिट्टी के जो ड्रॉपलेट्स है वो सब इधर गिर रहे हैं और ये सब फ्लावर्स जो है वो डर्टी हो जाते हैं. आई सेल माई बोट टूमोरो. नाउ व्हाट डू मीन बाय आई, आई मीन्स आई विल. ओके, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई विल. सेल माई बोट टूमोरो मतलब कल, टूमोरो मंजे उद्या. ओके, उद्या करने वाली है अपने बोट को लेकर पानी में सेल कराएगी, तैराएगी. ओके, इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस. वंडरफुल मंजे अद्भुत, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे कमाल की जगहों पर वो अपनी बोट सेल करेगी. बट फर्स्ट आई विल टेक माय वाटरिंग पॉट. आई विल टेक माय वाटरिंग पॉट. व्हाट यू मीन बाय वाटरिंग पॉट चिल्ड्रन, यू कैन सी दिस गर्ल इज होल्डिंग, दिस इज वॉटरिंग पॉट. इससे पानी देते हैं प्लांट्स को. ओके, एंड वॉश द पेंसिल्स फेसेस. तो वो क्या इमेजिन कर रही है कि वो सबसे पहले तो क्या करेगी, अपने पेंसिल्स फ्लावर को साफ करेगी. ये वॉटरिंग पॉट
से पानी यहाँ पे डालकर ये सारे पेंसिल्स के चेहरे धो देगी। नाउ चिल्ड्रन, थिंग्स टू डू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चंस हम लोग दूसरे स्लाइड में करेंगे, ओके? नंबर वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग, कितने देर से बारिश हो रही थी। आंसर, इट हैड बीन रेनिंग थ्रू आउट द नाइट, रात भर बारिश हो रही थी। बी, व्हाट इफेक्ट विल द रेन हैव ऑन द फॉलोइंग, बारिश का असर ये सब चीजों पे क्या होगा वो आपको लिखना है, ओके? ये सैंपल आंसर्स मैंने आपको दिए हैं। किटी द लेजी किटन्स विल गेट वॉश्ड, जो लेजी किटन्स है वो वॉश्ड हो जाएंगे, मतलब साफ हो जाएंगे। रोजेस, द रोजेस विल हैव ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन देम, जो गुलाब है उसके ऊपर रेन ड्रॉप्स आ जाएंगे। पेंसिल्स, द पेंसिल्स विल गेट मडी बिकॉज दे आर शॉर्ट, पेंसिल्स जो फ्लावर्स है वो जो है वो बहुत मडी हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत शॉर्ट है। सी, वॉट इज द चाइल्ड प्लानिंग टू डू द नेक्स्ट डे, वो चाइल्ड क्या प्लानिंग कर रही है नेक्स्ट डे करने के लिए, अगले दिन क्या करेगी। आंसर, द चाइल्ड इज प्लानिंग टू सेल हर बोट द नेक्स्ट डे इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस, बहुत सारे प्यारे प्यारे वंडरफुल प्लेसेस पे वो बच्ची क्या करने वाली है, अपनी बोट को सेल करने वाली है। क्वेश्चन नंबर टू, डिस्क्राइब इन 3 to 5 lines व्हाट हैपेंस व्हेन इट रेन्स इन योर सराउंडिंग, आपके घर के आसपास जब बारिश होती है तो कैसा लगता है, क्या होता है वो आपको 3 to 5 lines में लिखना है, ओके? ये सैम्पल आंसर है, इसे देखकर आप अपने खुद का आंसर बना सकते हो। आंसर, व्हेन इट रेन्स इन आवर सराउंडिंग एवरीथिंग सीम टू बी रिफ्रेश्ड, वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम एवरीवेयर लाइक मिनी रिवर, ऑल डॉग्स एंड कैट्स इन माई एरिया रन टू फाइंड शेल्टर बट वी चिल्ड्रेन रन आउट टू एंजॉय इन द रेन, ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज स्टार्ट स्वेइंग टू द रिदम ऑफ द विंड एंड शाइन अप एज इफ दे आर गोइंग फॉर अ पार्टी, बारिश के समय में हमारे आसपास में हर चीज बहुत रिफ्रेश हो जाती है, जैसे बहुत ताजा हो जाती है, पानी हर जगह पर बहने लगता है मिनी रिवर की तरह, सारे जो बिल्ली कुत्ते हैं वो यहाँ वहां भागने लगते हैं, शेल्टर ढूंढने लगते हैं, मतलब छत ढूंढने लगते हैं जहाँ पे वो छुप जाए, और जो छोटे बच्चे हैं हम सब छोटे बच्चे भाग भाग कर पानी में बारिश में भीगने निकल जाते हैं, सारे प्लांट्स और ट्री जो होते हैं वो खुशी के मारे झूमने लगते हैं, स्वेइंग टू द रिदम ऑफ द विंड, और क्या करते हैं शाइन अप हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी पार्टी में जाने वाले हैं। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस इजीली मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।